यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मैं बात करूंगी हाल ही में जो बजट पेश किया गया है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया गया, उस वक्त जो घोषणाएं हुई उनकी जो सही तस्वीर है वो अब सामने आना शुरू हो गई है। जी हां, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं भरेंगे, उनके साथ सरकार अब सख्ती बरतेगी और साथ ही उनके साथ शिकंजा कसा जाएगा उन पर, और उन पर कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं बरती जाएगी। क्योंकि पहले तो इनकम टैक्स से जुड़ा कोई बात, कोई घोषणा इस बजट में नहीं की गई थी, लेकिन अब वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनको छूट जो मिलती है टैक्स में वो अब छूट उनको नहीं मिलेगी। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं भरेंगे उन्हें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट मिलती है वो उनको नहीं दी जाएगी। तो इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स कानून में बदलाव किया जाएगा जिसके तहत आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों को टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। जेटली ने साफ किया कि इस कानून में सरकार कोई रियायत नहीं करेगी, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो सरकार की तरफ से लागू स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स नियमों में जो छूट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो बजट पेश किया गया था उसमें इनकम टैक्स से जुड़ी कोई जानकारी, कोई बदलाव नहीं बताया गया था, लेकिन टैक्स में जल्द ही बदलाव होगा और टैक्स में जो बदलाव होगा उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।